हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। दिवाली में खासकर करंजी बनाई जाती है। आज हम बनाएंगे खुशखुशित नारियल की करंजी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुशखुशित करंजी या कुरकुरी नारियल की करंजी बनाने की सामग्री है 1 कप पीसी हुई चीनी, 1 कप मैदा, 1 कप सूजी या रवा, पानी, 1 कप नारियल का बुरादा, 4 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, काजू को हमने बारीक बारीक काट लिया, 7 काजू है, 1 चम्मच चिरौंजी, 7 बादाम को हमने बारीक काट लिया है, 1 चम्मच इलायची पाउडर, नमक, 1 चम्मच खसखस, 1 पिंच कलर। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर हमने मैदा लिया है और अब मैदे में डालेंगे हम सूजी, थोड़ा सा नमक और फूड कलर और देसी घी। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर डो तैयार करेंगे। देखिए, हमने सख्त डो तैयार कर लिया है और अब हम आटे को सेट होने के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम करंजी की स्टफिंग तैयार करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर हम तिल को भूनेंगे और खसखस को भूनेंगे। देखिए, हमने तिल और खसखस को भून लिया है, चटकने की आवाज आ रही है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सेम पैन में हम फिर से नारियल का बुरादा भूनेंगे। देखिए, हमने लगातार चलाते हुए नारियल के पाउडर को भी भून लिया है अच्छे से और अब हम गैस को बंद करेंगे और नारियल के पाउडर को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम नारियल के पाउडर में पीसी हुई चीनी मिलाएंगे। काजू मिलाएंगे, इलायची पाउडर, चिरौंजी, बादाम और थोड़ा सा चुटकी भर नमक। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारा स्टफिंग तैयार है और अब हम स्टफिंग को बाउल में रख लेंगे। डो सेट हो गया है और अब हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे। और अब इसमें से एक लोई लेंगे और पेड़ा बनाएंगे और अब हम बेलेंगे। देखिए, हमने बेल लिया है और अब हम करंजी का सांचा लेंगे इस तरह का और इसके ऊपर हम पूरी को रखेंगे और बीच में स्टफिंग को भरेंगे। और अब किनारों पर पानी लगा लेंगे। और अब हम करंजी को इस तरह से निकाल लेंगे और किनारों से हम इस तरह से दबा लेंगे ताकि ये खुले ना। इसी तरह से हम सारे करंजी बना लेंगे। करंजी हमने बना लिया है और अब हम करंजी को तेल में तलेंगे। कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है और आंच को धीमी रखेंगे और करंजी को तलेंगे। करंजी अच्छी सुनहरी फ्राई हो गई है और अब हम करंजी को टिश्यू पेपर पे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे करंजी को फ्राई कर लेंगे। खुशखुशित करंजी या कुरकुरी नारियल की करंजी बनकर तैयार है।
देखिए कितनी अच्छी करंजी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।